हाय एवरीवन, दिस इज मलिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं जा रही हूँ आज एक ऐसी जगह जिसके बारे में आप सबने शायद सुना भी होगा, और शायद बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना होगा। मैं जा रही हूँ आज नेचर वॉक के लिए, 10 किलोमीटर का ट्रैक करने के लिए, जो कि बिल्कुल सुखना लेक के बिल्कुल पास है। 2 किलोमीटर्स की दूरी पर ही ये ट्रैक आपको मिल जाएगा। मैं जा रही हूँ सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका ये एक मेन गेट है, और एक मेन गेट दूसरी साइड पे भी है जहाँ पे संकेतरी का जो महादेव का मंदिर है, सेकेंड एंट्रेंस इज़ फ्रॉम देयर, और शायद अभी वो बंद कर रखी है। तो आपका जो ट्रैक है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, और इसकी जो टाइमिंग है वो है मॉर्निंग और इवनिंग में 3 to 6 आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। अगर इसकी एंट्री के लिए पहले तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, परमिशन नहीं लेना पड़ता, रैंडमली आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग जा सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको वैसे तो बिल्कुल जंगल वाला फील आएगा, क्योंकि यहाँ ये एक प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसमें ज़्यादा गवर्नमेंट ने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया हुआ है, जैसे था इस फॉरेस्ट को वैसा ही रखा गया है। इसमें बिल्कुल बहुत कम एडिशन अपनी तरफ से कुछ किया गया है, बस इसमें सिर्फ एक सिटिंग अरेंजमेंट किया गया, अलग अलग लोकेशंस पे आपको बैठने के लिए सिटिंग एरिया मिलेगा। और आपको यहाँ पे ऐसे इंफॉर्मेटिव बोर्ड्स भी मिलेंगे जिसको वुडन टच दिया गया है, एंड आपको यहाँ पे फेंसिंग की हुई मिलेगी, जो ये जंगल का एरिया उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए आई थिंक फेंसिंग की गई है। एंड द थर्ड थिंग इज़ यहाँ पे आपको एक रेस्ट रूम मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे और कोई भी मैन मेड चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज इट्स अ प्रोटेक्टिव वाइल्ड लाइफ एरिया, तो इसमें गवर्नमेंट ज़्यादा चेंजेस नहीं। फ्यू मिनट्स वॉक इन टू द फॉरेस्ट एंड यू विल एक्चुअली फील द वाइल्ड लाइफ अराउंड यू। आपको अपने ट्रैक के दौरान ऐसे छोटे छोटे वॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें फ्लोरा एंड फोना की, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वेराइटीज़ बर्ड्स की भी देखने को मिलेंगी, एंड यू कैन ऑल्सो विटनेस हियर द पीकॉक एंड द माइग्रेटरी बर्ड। और बात करें अगर हम एनिमल्स की, तो एनिमल्स में आपको यहाँ पे मंकीज, जंगल कैट, डियर, वाइल्ड बोर और बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं इफ़ यू आर लकी इनफ। एंड वी गॉट द लकी पर्सन जिनको पीकॉक के ओरिजिनल फेदर्स मिले हैं ड्यूरिंग द वॉक। सो आप भी अगर लकी होंगे तो आपको भी ऐसे पंख मिल सकते। जंगल में आपको सनराइज़ देखने को नहीं मिलेगा, बट फिर भी आपको सनलाइट देखने को ज़रूर मिलेगी। सनलाइट ऑलवेज प्लेस हाइड एंड सिक इन द जंगल, विच इज़ द बेस्ट पार्ट एंड आई लव इट। एट द एंड ऑफ द रोड यू विल गेट दिस बोर्ड, एंड वेयर यू वॉन्ट टू गो, वी आर गोइंग टू अवर राइट साइड। हेयर यू कैन ऑल्सो इन्जॉय द फॉरेस्ट कैनोपी, यू कैन इन्जॉय द शेड हेयर, एंड यू नो फॉरेस्ट एंड ट्रीज आर ऑल्सो हैविंग देयर ओन रूल्स, दे आर हैविंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स। आई हर्ड समवेयर इन द नेशनल ज्योग्राफी दैट सम ट्रीज आर ऑल्सो मेंटेन सोशल डिस्टेंस टू अवॉइड यू नो डिसीजेज एंड keep themselves healthy, so they maintain a mysterious gap which is also known as the crown shyness. During your trek you will also find tiny and cute mushroom there, and these are also known as tree mushroom. They are not eatable mushrooms, but they will definitely caught your attention in the lush greenery. During this track, I just saw that in nature, nothing is perfect, but still everything is perfect. I think that's why people keep on saying that look deep into the nature and then you will understand everything better. Now look at this tree. It gives us lots of lesson. These are the birds of Chandigarh जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, and this is the rest room. I think it is also known as कंसल लॉग हट कहते हैं शायद इसको, आई एम नॉट श्योर। एंड ये नीचे आपको ऐसा कुछ पिक्चर्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको बताया कि इस फॉरेस्ट में ये एनिमल्स या बर्ड्स देखे गए हैं। एंड वेन यू विल गो अप स्टेयर्स, तो आपको ऐसा कुछ व्यू वहाँ से देखने को मिलेगा, एकदम लश ग्रीनरी यू कैन सी फ्रॉम देयर।
और ये इंटीरियर है उस रेस्ट रूम का, उस हट का, इसको आई थिंक ग्रास से ही बनाया गया है। एक बहुत बड़ा शेड है, उसके नीचे ही कुछ सिटिंग चेयर्स लगाई गई हैं एंड दीज आर द स्टेयर्स जो ऊपर हमें लेके जाती हैं। दिस एरिया इज जस्ट 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम सुखना लेक, बट द एनवायरमेंट हेयर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द लेक। यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ यू नो स्क्रीमिंग ऑफ वेंडर्स, यू विल गेट अ टोटली क्लटर फ्री इन्वायरमेंट हियर। और यहाँ पे आपको बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे। वी वेंट ऑन संडे तो इसलिए हमें थोड़ा सा क्राउड देखने को मिला, अदरवाइज इफ यू गो ऑन द वर्किंग डेज तो आपको बहुत कम लोग यहाँ देखने को मिलेंगे। एंड यू कैन जस्ट इन्जॉय द नेचर हियर, द साउंड्स ऑफ बर्ड्स एंड द एनिमल्स ओनली। और हमें पता चला कि आधे रास्ते में भी फेंसिंग कर दी गई है, सो वी कैनॉट गो अहेड बिकॉज ऑफ द फेंसिंग, सो वी आर जस्ट गोइंग बैक फ्रॉम हियर ओनली। बट आई मस्ट से दैट दिस प्लेस इज यू नो इज अमेजिंग। द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ दिस ट्रैक इज गुड एज इट गिव्स अस द फील ऑफ लश ग्रीन नेचुरल फॉरेस्ट। आई विल सजेस्ट यू मस्ट हैव टू विजिट दिस प्लेस इफ यू रिजाइड इन चंडीगढ़। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर joining me. Keep smiling, stay happy, till then take care.